भाई क्या होगी आरसीबी वर्सेस एमआई मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11, क्या होगा टॉस रिपोर्ट, टाइमिंग, पिच, पावर स्कोर, प्लेइंग 11, बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यार नमस्कार, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 39 के बारे में, जो कि बेसिकली खेला जाने वाला है आरसीबी और एमआई के बीच में। ये वाला मैच दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट मैच है। 26 सितंबर को संडे को मैच खेला जाएगा और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि संडे को सुपर संडे बनाने के लिए रोहित और कोहली की पलटन एकदम पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीबी की। तो दोस्तों आरसीबी टीम में पिछले दोनों मुकाबले इस लेग में खेली और दोनों मुकाबले हारी है। पहले केकेआर ने उनको धूल चटाई और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको पछाड़ा। और दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो मुंबई भी दोनों मैच हार कर आ रही है, यानी कि यहां से कोई ना कोई टीम का हार का सिलसिला जो है वो खत्म होगा और पॉइंट टेबल में उसकी स्थिति भी अच्छी होगी। अब यहां से मुंबई इंडियंस की टीम एक भी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक मैच और हारते ही उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि उनको 5 में से 4 मैच जीतने हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आरसीबी के पास में अभी 2 मैच का क्वेश्चन है, यानी कि उनको 3 मैच जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए उनके 5 बचे हुए 5 मैचों में से। तो अगर यहां पर आरसीबी 2 मैच और हार जाती है तो भी ये अपने आप को सेफ महसूस करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अब टॉस की। तो दोस्तों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर क्या किया जाए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरे लेग में कुछ मुकाबले हुए हैं जिनमें टॉस पहले मतलब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो वहीं कुछ में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। तो ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल है कि यार मतलब टॉस जीतकर किया क्या जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से गेंदबाजों को मदद मिलती है और बड़ा ग्राउंड है और स्लो पिच है। तो ऐसे में जो भी टीम टॉस जीते उसको पहले गेंदबाजी ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने स्कोर होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ा टारगेट सेट करने के चक्कर में आप अपना विकेट भी गंवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बॉलिंग फर्स्ट इज द मतलब कह सकते प्राइमरी ऑप्शन टीम्स। तो इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाइमिंग की, तो ये वाला मैच शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, क्योंकि दोस्तों संडे और संडे को 2 मुकाबले होते हैं, लेकिन ये वाला मैच जो है ना वो शाम को 7:30 बजे से लाइव आएगा। तो इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पिच की। तो दोस्तों पिच से गेंदबाजों को मदद मिलेगी, गेंदबाजों को मदद इसलिए क्योंकि दोस्तों यूए की पिच जो है ना वो स्लो है और यहाँ पर बड़े शॉट मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में लेकिन एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि पिच स्लो है या फिर फास्ट है, तो यहाँ पर पिच जो है वो बॉलर्स को मदद करेगी और यहाँ पर स्लो गेंदें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगी। बात करें दोस्तों इस मैच या फिर इस मैदान के पार स्कोर की, तो दोस्तों अगर आप पहले बल्लेबाजी करें तो आपको 160 से 170 के बीच में बनानी है, तब जाकर आप मैच जीत सकते हैं। इसको आप मतलब मैच विनिंग टोटल मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हेड टू हेड मुकाबलों की। दोस्तों 28 बार इन दोनों टीमों के बीच में आमना सामना हुआ है अब तक आईपीएल इतिहास में, और 11 बार आरसीबी जीती है और 17 में मुंबई इंडियंस जीती है। तो काफ़ी कांटे की टक्कर रहती है और मुंबई ने अभी तक तो डोमिनेट किया है। हालांकि दोस्तों पहले लेग में जब मुंबई और आरसीबी का सामना हुआ था तो बैंगलोर ने जो है वो बाजी मारी थी, लेकिन एक बार फिर से इनको शुरुआत करनी है यूएई में। तो ऐसे में दोनों टीमों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे प्लेइंग 11 की, और दोस्तों प्लेइंग 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस मैच के बिहाफ पर, क्योंकि दोस्तों दोनों टीमें मैच हार कर आ रही हैं तो लाजमी सी बात है कि बदलाव तो होंगे। अब कौन सी टीम में कितने ज़्यादा बदलाव होते हैं ये हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। दोस्तों ओपनिंग में विराट कोहली और देवदत्त पार्टिकल ओपन करेंगे एक बार फिर से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल और विराट ने चेन्नई के खिलाफ में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी थी, तो यहाँ पर इस मैच में भी वो बिल्कुल ओपन करने वाले हैं और विराट कोहली इस मैच में जरूर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनकी बल्लेबाजी में नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर खेलेंगे केएस भारत। दोस्तों केएस भारत ने कोई गलती नहीं की है, काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है, तो इस वजह से उनको ज्यादा मौका भी नहीं मिला है, तो यहां पर 3 नंबर पर वही खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर पर खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों मैक्सवेल के बल्ले से दूसरे फेज में रन्स नहीं आए हैं, पिछले दोनों मैचों में वो फ्लॉप रहे हैं, तो ऐसे में मैक्सवेल को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर खेलेंगे एबी डिविलियर्स, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। 6ठे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इन्होंने टिम डेविड को मौका मिला, टिम डेविड को खिलाया था एक्स्ट्रा बैटिंग की वजह से, लेकिन टिम डेविड एक बहुत ही आसान सा लूज शॉट खेलकर आउट हो गए। वो किस तरह से मतलब इनको पावर हिटर बोला जाता है, लेकिन वो शॉट जो है ना वो काफ़ी साधारण सा शॉट था। तो अब क्या आरसीबी इनको एक बार फिर से मौका देती है या फिर बदल देती है, बाकी मेरे विचार में तो मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी एक ही तो मैच हुआ है और ये आईपीएल में प्रेशर पड़ता है मैच में खिलाड़ियों पर। तो ऐसे में
आसान नहीं होता है दोस्तों। एक एग्जांपल आपको बताऊं, वरुण चक्रवर्ती को आरसीबी ने खरीदा था सबसे पहले, और पहले सीजन वो थोड़ा सा महंगे साबित होते, इस वजह से आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया। लेकिन उसके बाद केकेआर ने उनको खरीदा और केकेआर में वो काफ़ी धमाल मचा रहे हैं, और इतना धमाल मचा रहे हैं कि सेलेक्टर्स को भी उन्होंने आकर्षित कर दिया और टी20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनी है। तो ऐसे में दोस्तों टिम डेविड को मौका देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बदलाव होगा नंबर सात पर शाहबाज अहमद खेलेंगे। यहाँ पर नवदीप सैनी बाहर जाएंगे और शाहबाज अहमद को खिलाया जाएगा। नंबर आठ पर हर्षल पटेल खेलेंगे। नंबर नौ पर दोस्तों दुश्मंता चमीरा या जॉर्ज गार्टन में से कोई एक पेसर की एंट्री होगी, यानी कि विदेशी पेसर की एंट्री होगी। यहाँ पर चमीरा के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि गार्टन शायद से क्वारंटीन से नहीं निकले हैं अभी। 10 पर सिराज खेलेंगे और 11 पर यूजी चहल खेलेंगे। दोस्तों ये रहेगी आरसीबी की प्लेइंग 11। अब दोस्तों बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक जो है ना, वो एक बार फिर से ओपन करेंगे मुंबई के लिए। दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी तगड़े बैट्समैन हैं, खास तौर पर क्विंटन डिकॉक। दोस्तों आरसीबी के खिलाफ ज़रूर चलते हैं और इस मैच में भी वो ज़रूर से चलेंगे। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, जिनसे इस मैच में एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि दोस्तों इनका बल्ला भी खामोश रहा है, ज़्यादा चला नहीं है, तो इनसे भी एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी। इसके बाद 4 नंबर पर खेलेंगे ईशान विस्फोटक किशन। 5 नंबर पर कायरन पोलार्ड खेलेंगे। 6 नंबर पर कृणाल पांड्या खेलेंगे। 7 पर खेलेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या। जी हाँ, यहाँ पर जहीर खान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि हार्दिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कल वाले मैच में हमारे लिए अवेलेबल होंगे। और दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या खेले तो आरसीबी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हार्दिक आरसीबी और उसकी जीत के बीच में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में हार्दिक किस तरह मतलब खेलते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद दोस्तों बदलाव होगा मुंबई इंडियंस में। नंबर 8 पर एडम मिलने की जगह पर या तो कुल्टरनाइल खेलेंगे या फिर मार्को जेंसन, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। इसके अलावा 9 नंबर पर राहुल चाहर खेलेंगे। 10 नंबर पर ट्रेंट बोल्ट और 11 नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह की रहेगी मुंबई की प्लेइंग 11। आप दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी ये वाला मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।